आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश संविदा कर्मचारी परिवहन द्वारा भगवान टॉकीज से फतेहाबाद रोड कमिश्नरी तक निकाला गया पैदल मार्च। कर्मचारियों ने रोजगार की समस्याओं के निस्तारण के लिए अपनी समस्याओं को आयुक्त के सामने रखा। आगरा मथुरा संविदा कर्मचारियों ने अपर आयुक्त राजेश कुमार को संयुक्त ज्ञापन सौंपा और कर्मचारियों ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम 5 तारीख से बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। संविदा कर्मचारी यूनियन सिटी बस महानगर की चलती है, सही से वर्क करते हैं, बाकी सब लोग उधर ही बिठा दिए सर, कोई बात नहीं। अब हमारी समस्या ये है कि सर हमारे यहाँ केवल 6 गाड़ियां आगरा में, 8 गाड़ियां मथुरा में रह गई हैं और स्टाफ तकरीबन 360 है आगरा मथुरा मिला के। अब एक एक गाड़ी पे 3-3, 4-4 लगे हुए, उसके बावजूद आप गाड़ियों की कंडीशन, अभी जो आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्या है उसका पूरा, जो आपने ज्ञापन दिया है क्या मांगते हैं आप? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, ये आगरा और मथुरा दोनों की शाखा इकाइयाँ हैं जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले, यहाँ कमिश्नर साहब आयुक्त हमारे चेयरमैन साहब, उनको हमने अपना समस्या निस्तारण हेतु अपना ज्ञापन दिया है कि हमारी समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो कि ये कर्मचारी आपको दिख रहे हैं, इन कर्मचारियों को 3 साल हो गए कोरोना से हम लोग चलते हुए, कोरोना से हम लोगों का साथ में ऐसा षड्यंत्र खेला गया, जो भी अधिकारी आया हमारी गाड़ियों को बिल्कुल ही ख़त्म करने की कगार पर चला आता, मतलब करता गया जो भी अधिकारी आया। हम लोगों ने कईयों बार संगठन की तरफ से आवाज़ उठाने, पत्र के माध्यम से, कभी भी किसी अधिकारी ने हमसे वार्ता करने की कोशिश नहीं की। हम लोगों को धमकाया गया, डराया गया और रोजगार छीनने वाली बात होगी। अब तो हम लोगों के सामने ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि रोजगार तो हमारा बिल्कुल जीरो पे ही है, क्योंकि हम लोगों ने भी ये ठान लिया है या तो हम भुखमरी की कगार पे तो है ही है, तो अगर हमारी समस्याएं नहीं सुनते हैं आयुक्त जी तो हम 5 तारीख को भूख हड़ताल पर निश्चित चले जाएंगे, अपने डिपो परिसर में बैठेंगे, शांतिपूर्वक बैठेंगे, क्योंकि मरना तो हमें वैसे भी है। अपना परिचय दें। जी मारे, मैं संविदा कर्मचारी यूनियन से एक सदस्य हूं उनका, और इसके साथ साथ मैं संविदा परिचालक हूं अपनी JNNURM में। एज अभी इस समय जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं इनकी जगह पे पहले JNNURM योजना आई थी, हमें नहीं पता था, हमने जो सिक्योरिटी जमा की है वो रोडवेज विभाग में अपनी 10-10 हज़ार की जो सिक्योरिटी है, वर्ष 2010-2011 में सब लोगों ने डिपॉजिट की है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते आ रहे थे। पहले 170 गाड़ियाँ थी, धीमे धीमे करके क्या हुआ, अधिकारियों ने बिल्कुल पहल नहीं की, मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो, गाड़ियों में कोई कार्य नहीं हुआ। अब ये पोजीशन है कि गाड़ियों पर अब तो गाड़ियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं, आगरा में 6 गाड़ियां हैं, मथुरा में 8 गाड़ियां बची हैं, और उनकी भी ये कंडीशन है आप देखेंगे तो गाड़ियों में टायर तक नहीं है, मेंटेनेंस के नाम पर बिल्कुल जीरो है, हम लोग बिल्कुल भुखमरी के कगार पर पहुँच चुके हैं, ये मानिए। तो इसलिए फिर हम 5 तारीख को मजबूरी होगी कि हम लोग 5 तारीख के बाद जो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और करेंगे भी क्या। अभी जो आप मिले उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? हमें ये आश्वासन दिया है कि हम आपकी जो बात है उसे जो है आगे रखेंगे, आपके अधिकारियों से बात करेंगे और कोई ना कोई आपकी समस्या का जो है हल निकालेंगे, अगर हल नहीं निकलता है तो अंत में हम लोग भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। अब मानिए 360 आगरा और मथुरा में प्लस स्टाफ है, और गाड़ियाँ देखिए, गाड़ियों की कंडीशन ये है कि 6 आगरा में, 8 मथुरा में, बताइए इस इन गाड़ियों पे कंडीशन ये कैसे चल पाएंगे। तो हमारी ये डिमांड है, आगरा में तकरीबन 50 गाड़ियां प्रेजेंट में चलने लायक है तो उन गाड़ियों का प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस हो, और मथुरा में 36 गाड़ियां चलने लायक हैं उनका प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस हो, ये गाड़ियां तब तक चलाई जाएँ जब तक हमको नई गाड़ियां मुहैया नहीं हो जाती हैं, और जो भी नई गाड़ियां आएँ सबसे पहले हम लोगों को लगाया जाए। एक विकल्प और है कि इस समय रोडवेज भर्ती कर रही है कंडक्टरों की, चालक परिचालकों की, तो परिचालकों की वो भर्ती कर रहे हैं कंपनी के माध्यम से, तो हम लोग 13 साल से वर्क करते आए हैं, क्यों नहीं हम सब लोगों को जितने भी डिपो हैं, 6 डिपो हैं आगरा रीजन में, सब लोगों को डिवाइड कर दिया जाए,
भाई आपको कंडक्टर चाहिए, हम एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है, उम्र लगभग सब लोगों की पूरी हो चुकी है, अब इस कंडीशन में कहाँ जाएंगे। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।